सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में रजत अर्श की वजह से पगलाने लग गया है। रजत अपनी ही बेटी को अपनी मानने से इनकार कर रहा है, वहीं अर्श अब भी आग में घी डाल रहा है। अर्श बार बार रजत को याद दिला रहा है कि सई उसके नाजायज औलाद है। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में अब तक आपने देखा कि सभी और रजत का परिवार गणेश उत्सव पूरे जोर शोर से मनाता है। इस दौरान सई का एक्सीडेंट हो जाता है। वेजू और राणा इस दौरान सभी की मदद करते हैं और वहीं रजत वेजू को भाई को खोजने निकल जाता है। यहां पर राणा और रजत का गुंडों से झगड़ा हो जाता है और वेजू और सभी मिलकर सबकी अच्छे से क्लास लगा देते हैं। इस बीच सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में एक और बवाल होने वाला है। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आगे आप देखेंगे वेजू और राणा की मदद करने के बाद रजत और सभी अपने घर वापस आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट न्यूज़ के गलियारों की माने तो सभी और रजत सई को भी अस्पताल से घर ले आएंगे, जहां पर परिवार के लोग सई को देख कर कहेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ सभी एक बार फिर से रजत पर भड़क जाएगी। सभी दावा करेगी कि रजत एक अच्छा बाप नहीं है। रजत मुंह बंद करके सभी की सारी बकवास सुनेगा। दूसरी तरफ अमन और को रजत पर तरस आने लगेगा। अमन फैसला करेगा कि वो अर्श का सच जानकर रहेगा। अमन पता लगाएगा कि अर्श के दिमाग में क्या चल रहा है। सच सामने आते ही अमन सभी को सारी बात बता देगा। अमन सभी को बताएगा कि रजत गलत नहीं है, बल्कि वो तो एक साजिश का शिकार हो गया। ये बात जानकर सभी रजत से बात करने का फैसला करेगी। जल्द ही सभी और रजत मिलकर अर्श की क्लास लगाने वाले हैं।